सुप्रभात छात्रों, RCI एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम, और बेटा हमारा टॉपिक है 5वां नंबर का और अंतिम द्वंद समास। ठीक है, इसके बाद हमारा समास का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 5वां है हमारा द्वंद समास। सूत्र है प्रायेणो उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वय। प्रायेणो उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वय, यानी कि इस समास में पूर्व तथा उत्तर पद दोनों की क्या होती है, उभय का अर्थ होता है दोनों, दोनों की क्या होती है, प्रधानता होती है। इस समास में पूर्व तथा उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है, अतः यह समस्त पद प्रधान समास भी कहा जाता है। यानी कि समस्त पद प्रधान, इसलिए इसमें दोनों पद, समस्त पद यानी कि समास के दो पद होते हैं, एक पहला और एक दूसरा। ठीक है, यानी कि समस्त पद में दो पद होते हैं, तो इसलिए इस द्वंद समास में दोनों पदों के अर्थों की प्रधानता होती है, इसलिए इसे समस्त पद प्रधान समास भी कहा जाता है या कहलाता है। च अर्थे द्वंद्वय, एक सूत्र और है च अर्थे द्वंद्वय, कि इसमें च से दो या दो से अधिक पदों को जोड़ा जाता है। जब विग्रह करते हैं तो उसमें च का क्या करते हैं, लोप करते हैं। च से दो या दो से अधिक पदों को जोड़ा जाता है। द्वंद समास के तीन भेद होते हैं। पहला इतरेतर द्वंद समास, एक शेष द्वंद समास, समाहार द्वंद समास। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इतरेतर द्वंद समास। इतरेतर द्वंद समास, जिस समास में आए हुए दोनों पदों का अलग अलग अस्तित्व होता है। जिस समास में आए हुए दोनों पदों का क्या होता है, अलग अलग अस्तित्व होता है, वह इतरेतर द्वंद समास होता है। यथा जैसे समस्त पद है राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ। ठीक है, तो अब देखो दो पद हैं राम और दूसरा है लक्ष्मण। इन दोनों पदों में क्या है, अलग अलग अस्तित्व है भाई। एक बड़ा राम है और छोटा क्या है, लक्ष्मण है। ठीक है, अब इसका समास विग्रह जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, रामश्चय लक्ष्मणश्चय। ठीक है, राम है चय, विषक लगा के भी कर सकते हैं इस प्रकार से, राम है चय लक्ष्मण है चय। लेकिन ये जो विसर्ग के बाद क्या आ गया है, चय आ गया है, तो हम इसका विग्रह इस प्रकार से करेंगे, रामश्चय लक्ष्मणश्चय चय। ठीक है, उसके बाद है अगला संज्ञा परिभाषम। संज्ञा परिभाषम, एक पहला संज्ञा और दूसरी परिभाषा, तो इसका विग्रह हो जाएगा संज्ञा चय, संज्ञा चय परिभाषा चय। ठीक है, संज्ञा चय परिभाषा चय, संज्ञा और परिभाषा। हरि हरौ, हरि हरौ, हरि और हर, इसका विग्रह हो जाएगा हरिश्चय, हरश्चय, हरिश्चय, हरश्चय। दूसरा है माता पितरौ, माता और पिता, माता च पिता च, माता च पिता च, माता और पिता। शिव केशवौ, शिवश्च शिवश्च केशवश्च च, शिवश्च केशवश्च च। अगला है व्यास कपिलौ, व्यास और कपिल, तो क्या हो जाएगा, व्यासश्च कपिलश्च। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हो गया, इतरेतर द्वंद समास। ठीक है, सबसे आसान समास। इस समास में दोनों पदों की क्या होती है, प्रधानता होती है। और रही बात इतरेतर द्वंद समास, इसमें दोनों पदों का क्या होता है, अलग अलग अस्तित्व होता है। ठीक है, जो इस प्रकार से ये उदाहरण है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल हम पढ़ेंगे दूसरा नंबर का एक शेष द्वंद समास और तीसरे नंबर का समाहार द्वंद समास। धन्यवाद।